आज की इस वीडियो के अंदर आपको गाइस एक बहुत ही जबरदस्त पीसी बेल्ट दिखाएंगे, 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपीज का कैबिनेट आप लोग देख सकते हो। मतलब जोरदार चीज जो इस पीसी बेल्ट में हम लोगों ने यहाँ पर यूज करी वो ये कैबिनेट ही है। बाकी ऑल एएमडी पीसी बेल्ट है, ग्राफिक्स कार्ड एंड प्रोसेसर दोनों हम लोगों ने यहाँ पर एएमडी का यूज करा है। देखने में यार काफी जबरदस्त है। मतलब कैबिनेट के बारे में यार स्पेशली आगे चल के बात करेंगे वीडियो के अंदर, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। अच्छा एक सवाल आप सबके माइंड के अंदर जरूर होगा कि भाई 1.5 लाख रुपए का पीसी बिल्ड है तो वो दिखने में इतना जबरदस्त कैसे लग रहा है। तो आप थोड़ा सा ये मान सकते हो कि मतलब कैबिनेट के ऊपर जो थोड़ा सा ओवर स्पेंड यहाँ पर किया गया है, बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि भाई पैसा जरूर खर्च हुआ है कैबिनेट के ऊपर, पर भाई चीज जबरदस्त लग रही है। आपके टेबल के ऊपर रखा होगा ना पीसी बिल्ड, तो आपके घर में अगर आपके रिश्तेदार आएंगे तो डेफिनेटली आपसे कहेंगे कि भाई ये क्या है, ये क्या चीज है जो आपके डेस्क के ऊपर यहाँ पर रखी है, मतलब कंप्यूटर तो बिल्कुल भी नहीं लगा है। अच्छा इस पीसी को बिल्ड किसने किया, धीरे धीरे करके हम आपको जो अपनी टीम से भी यहाँ पर मिलवाएंगे वीडियोस के अंदर आगे चल करके। तो आज आपको मिलवाएंगे कि इस पीसी को जो है हमारी टीम से किसने बिल्ड करा है। कमाल बात यह है कि उनका नाम भी जो है सार्थक ही है। आइए आइए बिल्कुल आइए वीडियो के अंदर, तो ये हमारे सार्थक सैनिक, इन्होंने जो है इस पीसी को यहाँ पर बिल्ड करा है, काफी जबरदस्त है। अच्छा इसमें क्या है, इस कैबिनेट में यहाँ पर ये तीन पोर्शन में यहाँ पर मेरे सबसे ओपन हो जाती है ना सामने की तरफ से, तो इसको जो है ओपन कर लेंगे तब आपको अंदर का जो है यहाँ पे पूरा लुक दिखेगा। क्योंकि अभी क्या है साइड से अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो मतलब नजर नहीं आता है, ये ऊपर और नीचे के दो ग्लास है, ये थोड़ा सा बीच में से कवर कर देता है। तो आपको जो इसमें शॉट्स जो बीरोल्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे वो हम ये हटा करके यहाँ पर लेंगे। अभी फिलहाल मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि बंद होने के बाद पैनल कैसा लगता है यहाँ पर दिखने में, तो अभी इसको हटा देते हैं एंड देन फिर आगे देखेंगे। अच्छा इसमें एक बात ये होती है कि जो जिस पीसी को बिल्ड करता है उसको उस पीसी के बारे में थोड़ा ज्यादा पता रहता है, तो इनको ज्यादा पता है कि इन्होंने कहाँ पे किस स्क्रू को कैसे लगाया था, तो इसलिए हमारे सैनी भाई साहब इस पीसी बिल्ड को खोलेंगे। देखो सार्थक नाम के जो लोग होते हैं वो होते ही जबरदस्त टैलेंटेड ठीक है। मैं तो हूँ ही, आप सबको पता ही है, जो हमारे साथ पिछले 5-6 साल से जुड़े उन सबको पता ही है। बाकी देखो सार्थक लोग ऐसे बड़े बड़े पीसी बिल्ड बनाते हैं। साइड पैनल खुलने के बाद इतना ही दिखेगा, मतलब ये वाला जो फ्रेम है वो आप देख सकते हो, ये चेसिस का पूरा एक पार्ट है क्योंकि ये वाला जा रहा है यहाँ पर, जो कि थोड़ा मतलब सिल्वर कलर में है, ये थोड़ा सा ब्रश्ड ब्लैक में है और ये सिल्वर में है, तो ये पार्ट भी अगर हटा सकते हैं वैसे तो, पर इतना ज्यादा हम खोलेंगे नहीं। आप इतना देख लो यहाँ से कि अंदर से मतलब पीसी का लुक जो है वो कैसे आ रहा है, बाकी आप बीरोल के अंदर तो देख ही लोगे ठीक है। तो अभी हम ये पार्ट्स को उठाते हैं और कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो भाई कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों ने बात ही नहीं करी है। तो गाइस आज सैनी साहब का बस इतना ही था, मिल लिए सैनी साहब से, ये पीसी बेल्ट भी बनाएंगे। हमारा प्लान है कि हम ना चैनल के ऊपर ऑन टेबल पीसी बेल्ट करते हुए भी आपको दिखाएंगे, हालांकि मेरे को टाइम नहीं मिलता था ठीक है, क्योंकि पीसी बेल्ट इतने ज्यादा हो जाते हैं आप सबके ऑर्डर की, इतना टाइम नहीं मिलता कि इंडिविजुअल हर एक पीसी बेल्ट को यहाँ पर टेबल पर रख रख के सबका शूट करें, बट कोशिश करेंगे जितने ज्यादा हो सकते हैं ऑन टेबल ही यहाँ पर जो है ऑन कैमरा उसको बिल्ड करेंगे ठीक है साहब, यही बनाएंगे। तो देख लिए मिल लिए, ये भी सार्थक है मैं भी सार्थक हूँ, तो क्या दिक्कत है, ये वीडियो के थोड़े दिन बाद तो इनसे ही बनवा लेंगे वीडियो, क्या दिक्कत है, एक ही बात है ठीक है, बस हो गया आज का तुम्हारा जवाब। अब बात करते हैं इस कंपोनेंट्स के बारे में ठीक है, प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले AMD का Ryzen 7 7700X प्रोसेसर का हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा है, 8 कोर 16 थ्रेड्स के साथ में यहाँ पर आ जाता है, जैसे कि हर एक Ryzen 7 आपको यहाँ पर देखने को मिलता ही है और 7000 सीरीज के अंदर आता है, तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर काफी जबरदस्त मिल जाती है, गेमिंग स्पेशली आपकी यहाँ पर काफी बढ़िया हो जाएगी, और मल्टीटास्किंग थोड़ी बहुत करनी हो वो तो बढ़िया करा ही देगा साथ ही साथ में, बट हाँ मेन प्राइमरी फोकस्ड ये जो प्रोसेसर है वो गेमिंग के ऊपर है। अच्छा देख सकते हो बॉक्स हमें काफी पतला सा यहाँ पर देखने को मिलता है, दैट मीन्स टॉप कूलर तो नहीं मिलता है, तो इसलिए हम लोगों ने अलग से एक आफ्टर
मार्केट लिक्विड कूलर यहाँ पर इस जो कि आता है एंटेक की तरफ से उनका सिंफनी 360 ARGB ब्लैक वाला वर्जन हम लोगों ने यहाँ पर इसका यूज करा, क्योंकि देख सकते हो पूरा पीसी यहाँ पर हमारा ब्लैक थीम में है। तो टॉप पर जो हम लोगों ने यहाँ पर इसके रेडिएटर को माउंट करा, वैसे फ्रंट में होता भी नहीं है इस कैबिनेट में, टॉप पर ही हमको यहाँ पर माउंट करना होता है। तो लुक जो है कुछ इस तरीके का यहाँ पर निकल करके आ जाता है, और हमारा जो 7700X प्रोसेसर है इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर हैंडल कर लेता है। बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हमारे यहाँ पर मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड जो हम लोगों ने 7700X के साथ में पेयर करा है, ये आता है ASUS की तरफ से उनका टफ गेमिंग B650 प्लस वाईफाई एंड ब्लूटूथ आपको दोनों देखने को मिल जाता है। बता रखा है आपको कई बार की जो हमारी राइजन की 7000 सीरीज है वो सिर्फ DDR5 RAM को सपोर्ट करता है, तो आउट ऑफ द बॉक्स डेफिनेटली DDR5 RAM को ही सपोर्ट करेगा ये मदरबोर्ड यहाँ पर। बाकी बढ़िया मदरबोर्ड टफ लाइनअप के अंदर जो कि हमारे इस प्रोसेसर को अच्छी तरीके से यहाँ पर हैंडल कर लेता है। अच्छा, स्टोरेज की तरफ बढ़ते हैं। स्टोरेज के लिए हम लोगों ने यहाँ पर XPG की तरफ से उनकी S70 ब्लेड 1TB की Gen 4 M.2 NVMe SSD का यहाँ पर यूज करा। अच्छा, रैम के बारे में आपको बताना ही भूल गया, रैम टोटल हम लोगों ने यहाँ पर 32GB यूज करिए, 16 GB की दो स्टिक्स XPG की लैंसर RGB और ये 6000 MHz के ऊपर क्लॉक्ड है भाई, 32GB परफेक्ट रहेगी सभी वर्कलोडों के हिसाब से, मतलब स्पेशली तो उनको भाई यहाँ पर गेमिंग ही करनी है तो गेमिंग के हिसाब से तो इनफ है बिल्कुल। अच्छा, बढ़ते हैं ग्राफिक्स कार्ड की तरफ। तो ग्राफिक्स कार्ड हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा ASUS की तरफ से उनका RX 6750 XT ग्राफिक्स कार्ड, एंड दिस इज डुअल OC वाला वर्जन ASUS की तरफ से, काफी बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड। एंड अब तो भाई प्राइसिंग डाउन आ गई है क्योंकि 40 सीरीज के कार्ड है RTX के वो आ गए, फिर उसके बाद 7000 सीरीज आ गई AMD की, तो उस वजह से ये जो 6000 के कार्ड है सीरीज के इनकी जो है प्राइसिंग काफी डाउन आई है। तो इसकी प्राइसिंग लगभग आपको समवेयर अराउंड 35000 के आसपास में ये ग्राफिक्स कार्ड आपको देखने को मिल जाता है, तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस आपको जो है काफी बढ़िया यहाँ पर निकल करके आ जाती है। डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा ब्रांड यहाँ पर ले रहे हो, सेफायर के भी आते हैं, पावर कलर के आते हैं, ASUS का आता है, MSI का तो फिलहाल स्टॉक में नहीं है, तो ये सब कार्ड्स हैं। बाकी परफॉर्मेंस 2K पर बढ़िया गेमिंग, और जैसे कि 7700X के साथ हम लोगों ने इसको पेयर अप करा है तो गेमिंग स्ट्रीमिंग रेटिंग तीनों आपका बढ़िया तरीके से हो जाएगा। अच्छा, पावर सप्लाई हम लोगों ने जो यहाँ पर यूज करी है ये आ जाती है डीपू की तरफ से उनकी DQ850M V3L पावर सप्लाई 80+ गोल्ड सर्टिफिकेशन के साथ हमें देखने को मिल जाती है, और थोड़ी बहुत ये फ्यूचर प्रूफ भी रहेगी, मतलब 750W में हमारा काम बड़े आराम से यहाँ पर हो जाता है, 650W में भी हो जाता है, बट ये है कि बाद में अगर वो कुछ भी इसके अंदर अपग्रेड करते हैं मेरे हिसाब से वो ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर जो है बाद में डेफिनेटली यार अपग्रेड करेंगे। अभी तो 7700X उन्होंने अच्छा प्रोसेसर ले लिया गेमिंग के हिसाब से, कार्ड जो है वो बाद में भी एक अच्छा खासा उनके पास हेडरूम यहाँ पर रह जाएगा अपग्रेड करने के लिए, तो पावर सप्लाई उन्होंने उसी हिसाब से यहाँ पर चूज करी है। अब फाइनली गाइस बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे स्टार ऑफ द शो के बारे में, यानी कैबिनेट के बारे में बात करते हैं, जबरदस्त चीज यहाँ पर। अच्छा, इसकी प्राइसिंग के बारे में आपको मैं बताता हूँ, बहुत ज्यादा भी महंगी नहीं है, 25,000 रुपए की कैबिनेट है, 25,000 में अगर आपको ऐसा दानव अपने टेबल पे रखना है घर में तो आप ले सकते हो भाई साहब, सच में बहुत बड़ी कैबिनेट है ये, मतलब यहां तक इसकी हाइट जा रही है, मतलब जनरली जो कैबिनेट्स रहती है उनकी हाइट मैंने जैसे मैं हाथ वाथ रखता हूँ तो यहां तक जाती है बस खाली, ये भाई साहब यहां तक जा रही है बिल्कुल, और उसके बाद पूरी फ्रेम इसके लगने के बाद भाई साहब क्या लुक आता निकल करके। हाँ, थोड़ा सा ये है कि दिखता अंदर में थोड़े कम है कंपोनेंट, क्योंकि वो छोटे छोटे ग्लास आपको मिलते हैं, बट चीज भाई देखने में काफी जबरदस्त लगती है। जो सामने की तरफ आपको ARGB स्ट्रिप्स मिलती है, मदरबोर्ड से सिंक हो जाती है, बहुत ही जबरदस्त लगती है। नीचे की तरफ आपको एक फैन मिल जाता है यहाँ पर जो कि 120M का है, ये भी आपका सिंक हो जाता है। अच्छा, फ्रंट में सिर्फ दो ही फैंस लग सकते हैं, एक तो ये हो गया, बाकी ऊपर एक जगह दे रखी है, अगर आप लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पर जो लगा सकते हो एडिशनल इनटेक के लिए यहाँ पर, अभी तो फिलहाल इसमें नहीं लगा हुआ है। ठीक है, रियर में तो कोई स्पेस ही नहीं होती, देखो मेरा हाथ यहाँ से आर पार हो गया तो पंखा कैसे लगाओगे। ठीक है, बाकी टॉप पे जो हमारा रेडिएटर है वो बड़े आराम से यहाँ पर हमारा माउंट हो गया 360M का, तो उसमें तो कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आई। बस यही था 25,000 रुपए की कैबिनेट का नमूना, आप देख लो एक बार, जबरदस्त लगती है वैसे तो, मतलब थोड़ा लोग प्रेफरेंस भी लोगों की अलग अलग रहती है, कुछ लोग भाई इसको पसंद करते हैं, कुछ लोग फिर क्या करते हैं कि O11 लेकर के कुछ लोगों को उसका लुक ज्यादा पसंद आता है, तो वो आपके ऊपर है कि आपको किस कैबिनेट का जो है लुक ज्यादा बढ़िया लगता है। इसकी जगह वो ये कर सकते थे कि थोड़ा आप ये भी कह सकते हो कि मतलब 1.5 लाख के हिसाब से थोड़े कॉम्पोनेंट में जो है ज्यादा वो मतलब बड़े कॉम्पोनेंट ले सकते, कहने का मतलब ये कैबिनेट में कम खर्चा करके, तो भाई देखो सबका प्रेफरेंस रहता है, कुछ लोग कैसे लेते हैं, कुछ लोग मतलब एस्थेटिक्स में ज्यादा खर्च करते हैं यहाँ पर। बाकी अभी भी फिलहाल उनका पीसी बिल्ड काफी बढ़िया है, बाद में वो अपने ग्राफिक्स कार्ड को अपग्रेड कर लेंगे फिर तो भाई काफी जबरदस्त, बाकी अभी भी गेमिंग तो काफी बढ़िया कराएगा 2K पर
जबरदस्त गेमिंग इनको जो यहाँ पर ये करा देगा। बस तो गाइस यही था हमारा 1.5 लाख रुपए का पीसी बिल्ड। आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। बाकी वेबसाइट भी है हमारी, नीचे जा सकते हो, आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहां पर आपको प्रीबिल्ड पीसी, कस्टम पीसी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप जाकर के डायरेक्टली हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हो। सिंगल कॉम्पोनेंट आपको कुछ भी बाय करना वो भी आप वहां से कर सकते हो। अच्छा, जो पीसी बिल्ड है वो आप डायरेक्टली वहां पर जो कस्टम पीसी का पेज है उसको कार्ड के अंदर डालने के बाद जब आप चेकआउट वाले पेज पे जाओगे तो आपको पे ओनली 10% का ऑप्शन मिल जाएगा। आप 10% दे करके अपने पीसी की बुकिंग कर सकते हो डायरेक्टली वेबसाइट से। आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको कॉल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। प्राइसेस आपको सारी वहां मिल जाएगी, डायरेक्टली वेबसाइट से भी बुक कर सकते हो। देन बहुत ही इजी प्रोसेस हो जाता है। बाद में बिफोर शिपिंग आपसे जो बाकी की रिमेनिंग 90% अमाउंट है वो हमारे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आपसे कॉल करके जो है वो आराम से उसको बाद में कलेक्ट कर लेते हैं जो आपका पीसी बिल्ड हो जाता है और आप जो है पूरे सेटिस्फाई हो जाते हो। इसके अलावा डायरेक्टली अगर कॉल पे बात करनी है तो आपको स्क्रीन पर दोनों नंबर देखने को मिल जाएंगे 7011805001 और 9403890290। ऊपर वाले नंबर पे कॉल व्हाट्सएप दोनों कर सकते हो। नीचे वाले नंबर पे जो आपकी सिर्फ कॉलिंग अवेलेबल है। बाकी 205 सेकंड फ्लोर राजा हाउस बिल्डिंग आप ऑफलाइन भी आकर के हमसे पीसी बिल्ड करा सकते हैं। नेहरू प्लेस के अंदर आपको हमारा स्टोर देखने को मिल जाएगा। ऑफलाइन स्टोर की डिटेल सब कुछ आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। मिलेंगे ऐसे एक और नए वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के पीसी बिल्ड के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।